हम बहुत छोटे हैं सर, आपकी कला के सामने ये तो सब कुछ बहुत ही नीचा है। स्वागत है। तो फाइनली अभी हम लोग जा रहे हैं 5 ज्योतिर्लिंग की तरफ, नासिक की तरफ जा रहे हैं हम लोग, जो महाराष्ट्र में एक्चुअली। और अभी शाम हो रही है, ये देखिए, तो ये शाम का मज़ा है यहाँ का, अभी ले रहे हैं हम लोग सुबह ही मतलब यहाँ से निकल गए थे सोमनाथ से, बट वीडियो अब बना रहा हूँ क्योंकि मैं सो गया था, मुझे नींद की ज़रूरत थी, रात को बैठ के एडिटिंग करी है। तो सोमनाथ वाली वीडियो देख ही ली होगी आप लोगों ने, 4 ज्योतिर्लिंग हो चुके हैं अपने पूरे और अब 5 ज्योतिर्लिंग की बारी है। तो अब वहाँ चलते हैं, अभी शाम है, देन सुबह हम वहाँ पहुँच जाएंगे और पहुँच के मैं आपको वहाँ का व्यू दिखाता हूँ सब कुछ कैसा क्या होने वाला है। और अभी आपको ट्रेन का दिखाता हूँ, ट्रेन में कैसा है। कल हम 2 दिन पहुंचने वाले हैं 5 बजे, तो कल मिलते हैं। सब्सक्राइब कर लेना, पहली बार तो सबके सब पहले सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो किसी भी टाइम पे हम लोग पहुंच सकते हैं हमारे नई लोकेशन पर और 5 ज्योतिर्लिंग की तरफ। और अभी ट्रेन वालों ने हमें कचौरी दी है, तो हम लोग अब से टेस्ट करने वाले हैं। हम चले बहारों में, गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी। सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नासिक और ये देखो, और अभी कुछ खा रहे हैं, पहले थोड़ा भूख लग रही है और उसके बाद में हम लोग जाएंगे होटल और नहा धोकर फ्रेश होकर अच्छे से मंदिर जाके और फिर आएंगे। ये 5 ज्योतिर्लिंग है, इसे मिस मत करना, 5 हो चुके हैं, मतलब 8 5 हो जाएंगे। तो होटल में मिलते हैं। तो के लिफाफों में छुपा है रास्ता, हम चले बहारों में, गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज हैं, अब क्या करें, ओ वक्त है तो जीन दे, दर्द है तो सीन दे, ख्वाहिशें अनजान है, अब क्या करें। सो गाइस, ये है हमारा होटल जहाँ हम थोड़ी देर के रुके हैं, मतलब आजाज के लिए चाय पी के हम लोग जाएंगे हमारे मंदिर, देन बने रहना मेरे साथ में, मैं थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, नहा लेता हूँ, थोड़ा सा धो लेता हूँ अपने आप को और उसके बाद चलते हैं। सो बने रहना ब्लॉग के साथ में, सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर सब कर देना। ये 5 ज्योतिर्लिंग है, 12 होने में अभी थोड़ी सी देर है, ये 5 ज्योतिर्लिंग है, याद रखना। तो चलते हैं, चलो चलो गाइस। तो फाइनली हम सब तैयार हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं और हम जा रहे हैं 5 ज्योतिर्लिंग की तरफ। और मम्मा कौन कहाँ जा रहे हैं अपन? त्रंकेश्वर महादेव जा रहे हैं, जो नासिक में स्थित है। त्रंकेश्वर महादेव जो नासिक में स्थित है, तो हम वहाँ जाते हैं और वहाँ आपको दिखाते हैं, ठीक है। हाँ, नहाने के बाद देखो तो स्मार्ट लग रहा हूँ ना, तो दिख रहा वो तभी तो स्मार्ट लग रहा हूँ नहाने के बाद। अरे आप ही स्मार्ट करता। अभी हम लोग गन्ने का जूस और मदिरा खाने रुके हुए हैं, तो आओ थोड़ा मम्मा से बात करते हैं। तो ये रही मम्मा। और मम्मा कैसे हो? मस्त मम्मा, अपन ने अभी तक 4 ज्योतिर्लिंग पूरे कर लिए हैं, तो कैसी रही आपकी 4 ज्योतिर्लिंग की यात्रा? अच्छी थी, लेकिन भगवान की दया से और तेना ने आके किसी न किसी रूप में हाथ पकड़ा।
मंदिर पांचवे ज्योतिर्लिंग की तरफ आ चुके हैं हम लोग और चलते हैं। गाइस तो ये है ये ब्लैक मंदिर, इतना खूबसूरत मंदिर है अंदर जाके, लेकिन ये फोटो वीडियो बनाने नहीं दे रहे हैं, थोड़ा तब मैंने बना के आया हूँ। इतना खूबसूरत मंदिर है ये, इतना खूबसूरत क्या बताऊँ मैं। और आज अभी तक का ज्योतिर्लिंग का मेरा फेवरेट मंदिर अभी तक तो यही है, इसका नाम है त्रिकालेश्वर। मैं नीचे कर दूँगा इसका नाम, समझ में थोड़ा कम आया इसलिए। और गाइस ये मंदिर लिटरली बहुत मस्त है यार, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ और थोड़ा पिक लेता हूँ इसकी मैं। दर्शन कर लिए हैं और अब हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए। और आपको मैंने मंदिर दिखाई दिया था, काफी सही था, और अब चलते हैं कुछ खाने। इसी जो मेरे पीछे दिख रहा है वो है अंजलि पर्वत, जहाँ पे हनुमान जी का जन्म हुआ था, मतलब हनुमान जी का जन्म हुआ था, समझ रहे हो? समुद्र में कहाँ घूम रहा हूँ। फाइनली हम लोगों ने दर्शन कर लिया है पांचवे ज्योतिर्लिंग के, अब छठे की बारी है। तो पांच ज्योतिर्लिंग हमारे हो चुके हैं और वो दिख रहा है वहां पे हनुमान जी का जन्म हुआ था, मुझे ये पता चली है अभी। लिटरली मैं सुन के बहुत ज्यादा खुश हूँ, बट मैं वहां जा नहीं सकता बिकॉज दादी वहां तक नहीं जा सकती और हमारे पास टाइम भी नहीं है वहां जाने का, बट एक दिन मैं वहां जरूर जाऊंगा। तो अभी खाना खाते हैं, पहले पेट पूजा फिर काम पूजा, खाना खा के मैं आपसे मिलता हूँ। ओके गाइस, तब तक के लिए बने रहे, लाइक करें, फॉलो करें यार, सब्सक्राइब कर लो प्लीज, सब्सक्राइब कर लो ब्रो। चुका हूँ अपने होटल में और मैं महाराष्ट्र आया हुआ हूँ, तो यार मुझे लगा कि यार एक टोपी तो चाहिए ही चाहिए, मतलब समझ रहे हो, महाराष्ट्र आया हुआ तो महाराष्ट्र वाली टोपी बनती है। तो ये मेरे भैया है जो भी फ्रेंड बने मेरे नए नए, और ये बोल रहे हैं कि मैं ला के लाता हूँ मैम। तो गाइस ये मैंने बाइक किया यहाँ से महाराष्ट्र, टोपी ऐसे महाराष्ट्र ये सही लगी हुई है या फिर ठीक से लगा? एकदम बढ़िया ऐसे लगती है, ऐसे लगती है। हाँ तो ये मैंने अभी भी बाइक किया यहाँ से महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। तो चलते हैं होटल। तो गाइस फाइनली यहाँ से हमने चेकआउट कर लिया है और हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। ये होटल लिटरली बहुत शानदार था, इसका मैंने नाम यहाँ मेंशन कर दिया है, कभी भी आप महाराष्ट्र में आओ तो यहाँ जरूर आना। अमेजिंग सर्विस बहुत अमेजिंग है इसकी। और चलो अब चलते हैं। हेलो गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं नासिक मेट्रो स्टेशन और अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं और नेक्स्ट लोकेशन हमारी जो सातवा होगा ना, छठा ज्योतिर्लिंग होगा वो होगा औरंगाबाद में। सो औरंगाबाद मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बड़ों के साथ में और सबके साथ में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर यहाँ तक आ चुके हो तो आप लोग थैंक यू सो मच एंड सपोर्ट करते रहना यार। सब्सक्राइबर चाहिए, लिटरली अभी चाहिए, बहुत टाइम कम्प्लीट करना है एक्चुअली में। और ज्योतिर्लिंग के दर्शन में कराता रहूँगा आप लोगों को, और प्लीज़ कमेंट में बताना कि कैसा क्या लग रहा है आपको वीडियो देख कर सब कुछ। और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, बाय।